नमस्कार दोस्तों, सुषमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के पोपरे की सब्ज़ी, जो बहुत टेस्टी होती है और बिल्कुल अलग तरीके से बनती है। अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो आप इसको तुरंत बना सकते हैं, आपको सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। इससे पहले मैं आपको रेसिपी बताऊं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी दबा लीजिए ताकि मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए सामान देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए हमें बनाने के लिए। यहाँ मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। यहाँ मैंने 1 चुटकी हींग लिया है, यहाँ हींग मैंने थोड़ा सा छोटी छोटी गोलियों में लिया है, आप चाहे तो पाउडर भी ले सकते हैं इसका। नमक स्वाद अनुसार लेंगे। 1 चम्मच यहाँ मैंने काली मिर्च और जीरे का पाउडर लिया है, जिसको मैंने भून के पीस लिया है। और यहाँ हरा धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज टमाटर को ऐसे बड़े भागों में काट लिया है, 2 मैंने प्याज को ऐसे बड़े भागों में काट लिया है इस तरीके से, आधा इंच अदरक लिया है, 10-12 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम बेसन डाल लेंगे और इस बेसन में हम 1/4 चम्मच हल्दी डाल लेंगे, 1/4 चम्मच हम मिर्ची पाउडर डाल लेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल लेंगे क्रश करके, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर, लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसका एक बैटर तैयार करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार करेंगे इस तरीके से। थोड़ा पानी और डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए हमें ऐसा पतला चाहिए, यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन चढ़ाया है। अब इसमें मैंने गरम कर लिया है, इस पर हम पानी का छिट्टा मारेंगे और इसको एक टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और इस पे बैटर डालेंगे थोड़ा सा, और इसको हल्के हाथ से घुमाएंगे गोल गोल, आंच को धीमा ही रखेंगे, अभी हल्के हाथ से घुमाते जाएंगे गोल गोल, और इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे। थोड़ा सा ये पक जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिए पक गया है, दिख रहा है कि थोड़ा पक गया है, तो इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इसको पलट लेंगे आप इस तरीके से, और इसको दबा दबा के अच्छी तरह से सेक लेंगे, आंच को अब तेज कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर भी लगा लेंगे इसके, उसको दबा दबा के सेकेंगे। इसको हमें अच्छा सा गोल्डन कलर दे देना है।
इसको पलट लेंगे अब फिर। अच्छी तरीके से दबा दबा के हम सेकेंगे इसको, एकदम गोल्डन कर लेना है, क्रिस्पी कर लेना है इसको एकदम। एकदम हम इसको क्रिस्पी कर लेंगे, पलट लेते हैं इसको फिर। ये देखिए कलर आ गया है इस पर, अच्छी तरह से सिक गया है ये। अब इसको हम फोल्ड करेंगे एक चम्मच की सहायता से, बहुत गर्म होता है तो ध्यान से करिएगा। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, आँच को धीमा कर देंगे अब, और इसको एक बार दबा लेंगे हल्के हाथ से। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। आप इसको रेक्टेंगल शेप में भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा तैयार है पोपरा, देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से एक और बना लेंगे, पानी का छिट्टा मारेंगे, पोंछ लेंगे टिश्यू पेपर से, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे बैटर डालेंगे, हल्के हाथ से गोल गोल घुमा लेंगे, थोड़ा सा पकने देंगे धीमी आंच पे। जब ये पक जाए तभी इसको हमें पलटना है, पहले नहीं पलटेंगे नहीं तो हमारा पोपरा फट जाएगा पलटते वक्त, तो बहुत सावधानी से इसको बनाना है। अब इसको हम पलटेंगे, देखिए पक गया है थोड़ा थोड़ा, पलट लेते हैं इसको और थोड़ा तेल लगा देते हैं इसके ऊपर, आंच को तेज कर देंगे। इसी तरह से दबा दबा के हम सेक लेंगे इसको। पलट लेते हैं इसको, गैस को धीमा कर देंगे, फिर इसको उसी तरह से हम फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप देंगे इसको, हल्के हाथ से दबा लेंगे। हमने एक और तैयार कर लिया है, इसी तरह से बाकी हम बना लेंगे। यहाँ देखिए मैंने सारे बना लिए हैं, इसको साइड रख देते हैं। अब मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे और सारे मसाले ऐड करेंगे इसी में ही। हल्दी पाउडर डाल देंगे, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और इसका हम एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए मैंने एक फ़ाइन पेस्ट का बना लिया है और यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई चढ़ाई है जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालूँगी। और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, तेल को हमें अच्छी तरीके से गर्म करना है। इसमें अब हींग डाल देंगे, मसाला डाल देंगे अपना पिसा हुआ, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आँच को मैंने अभी धीमा करा हुआ है, इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अब हमें इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाना है, जब तक कि हमारा ऑयल ना ऊपर आ जाए मसालों में से। तो 10 मिनट हो गया है, ढक्कन हटा लेते हैं। ये देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। पहले मिक्स कर लेते हैं मसाले को। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी, मैं एक छोटा ग्लास पानी डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने ये छोटे ग्लास से पानी डाला है, आपको मैं साइज़ दिखा रही हूँ। और इसको हमें बॉईल होने तक तेज आंच पे पका लेना है। देखिए बॉईल आ गया है, ढक्कन हटा लेते हैं, ढक्कन लगा लेते हैं। अब 2 मिनट के लिए हमें इसको धीमी आंच पे पका लेना है। 2 मिनट हो गया है, ढक्कन हटा लेते हैं। इसमें हम कसूरी मेथी डाल लेंगे क्रश करके। और मिक्स कर लेंगे। धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी हमारी तैयार है। गैस को बंद करेंगे और सर्व कर लेंगे अपने बेसन के पोपरों को। तो देखिए मैंने एक कढ़ाई में बेसन के पोपरों को लगा लिया है, इस पर हम ग्रेवी डालेंगे। अच्छे तरीके से हमें ग्रेवी से इसको कवर कर देना है, अच्छे तरीके से कोट कर देना है। बहुत टेस्टी बनते हैं ये, अगर आप इनको बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो आप इसको बना सकते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या बनाएं। अगर आपके घर में बेसन है तो आप इसको तुरंत बना सकते हैं और तुरंत बना के इसको खा सकते हैं। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छे तरीके से हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए मैंने ग्रेवी से इसको अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ ऊपर से। ये बनके तैयार है हमारी डिश, बेसन के पोपरे। बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।